आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हाल में ही राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है और ये 29 अगस्त को वितरण किए जाएंगे। तो इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है उनके बारे में जान लेते हैं। और पहली बार किसे दिया गया है और कब इन स्थापना हुई इन पुरस्कारों की, उनके बारे में भी बात करेंगे। और याद रखिए, जब हम लोगों ने किरण सामान्य ज्ञान की बुक्स कवर की हुई थी तो उसमें हम लोगों ने विस्तार से बात किया था, पूरे आपका कोई भी राजीव गांधी पुरस्कार हो या फिर आप देखेंगे कि ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, इन सब के बारे में हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई थी। तो वैसे एक ओवरव्यू दे दूंगा यहाँ, लेकिन अगर आप उसे भी देख लें तो काफ़ी आपको सहूलियत होगी। और मुझे नहीं लगता है कि उसे देखने के बाद आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा इससे। तो उसकी जो लिंक है वो नीचे दे दूंगा हम, ठीक है? तो वहाँ जाकर देख लें आप लोग। सरकार ने, आपने देखा है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति भवन से इस महीने की जो 29 तारीख है यानी कि 29 अगस्त को राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन आभासी मोड़ के माध्यम से एक विशेष रूप से आयोजित समारोह में प्राप्त होंगे। आभासी मोड़ का मतलब यह है क्योंकि अभी देख रहे हैं आप लोग कोरोना महामारी का टाइम चल रहा है, तो इसलिए इस तरह से दिए जाएंगे। और 29 तारीख क्यों चुनी जाती है? क्योंकि आप जानते हैं कि जो खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, एक किसकी जन्मतिथि, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ध्यानचंद थे जो हॉकी के ओलंपिक ध्यानचंद, इनके जन्मदिन के अवसर पर ये वितरण किए जाते हैं। ये आपका एमपीपीएससी में कई बार क्वेश्चन बन चुका है, अधिकतर बार देखते हैं आप लोग एमपी के कई एग्जामों में भी बन चुका है और बाकी जो भी वनडे एग्जाम होता है उनमें भी आपका पूछ लेता है कि 29 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है, खेल दिवस किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। हॉकी ओलंपिक यानी कि हॉकी के खिलाड़ी थे ध्यानचंद साहब, इनके जन्मदिन के अवसर पर। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में जानते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि इसकी स्थापना 1991-92 में की गई, 1991-92 में की गई। इसे सबसे पहले विजेता थे विश्वनाथ आनंद। कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे इसके पहले विजेता, विश्वनाथ आनंद। याद रखिए इस डेट को, कब? 1991-92 में। इस बार की अगर बात करें तो इस राजीव खेल रत्न पुरस्कार, इस पुरस्कार को खेल के क्षेत्र में 4 साल की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार जो और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने करता है उसे दिया जाता है। तो अभी 2020 में किसे दिया गया है? रोहित शर्मा क्रिकेट से संबंधित हैं, मरियप्पन टी ए पैरा एथलेटिक्स हैं, मनिका बत्रा ए टेबल टेनिस हैं, विनेश फोगट ए कुश्ती से संबंधित हैं, रानी रामपाल ए हॉकी से संबंधित हैं। याद रखिए कई बार वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चंस बन चुका है आपका, यूपीपीसीएस या यूपीएससी स्टेट के जो भी एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछ लिया है। अगर आपसे पूछे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब शुरू किया गया था तो आप कह सकते हैं कि 1991-92 में। सबसे पहले कि यह किसे दिया गया था, ये तो आपने देखा होगा कि विश्वनाथ आनंद को, विश्वनाथ आनंद को पहली बार मिला था। और कौन देता है? भारत सरकार, ठीक है? और इस बार की रोहित शर्मा क्रिकेट से संबंधित, मरियप्पन टी पैरा एथलेटिक्स, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है, विनेश फोगट ये आपकी कुश्ती से संबंधित है, रानी रामपाल हॉकी से संबंधित है। इस तरह से भी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं कि रानी रामपाल जिन्हें हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, इसके एक किस खेल से संबंधित हैं? तो आपको याद रखना होगा कि हॉकी। इस तरह के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। और याद रखिए हर साल ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, तो जिस भी साल आप लोग पेपर दे रहे हो उस साल आप लोग अच्छे से पढ़ लिया करिएगा। फिर दूसरा है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार अगर इसके बारे में बात करूं तो इसकी स्थापना की गई थी 1985 में, 1985 में भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। और प्रथम बात करूं अगर प्रथम विजेताओं की तो भालाचंद भास्कर भागवत थे, ओम प्रकाश भारद्वाज, ओ एम निम्मियर, इन 3 लोगों को पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को तैयार करने वाले कोच को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। किसे? कोच को, जो इस तरह के खिलाड़ियों को तैयार करते हैं,
जो गाइड करते हैं, ठीक है। तो इस बार का अगर हम लोग बात करें तो द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम की बात करें, लाइफ टाइम श्रेणी में तो धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी से संबंधित हैं, पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स, शिव सिंह ए बॉक्सिंग, रोमेश पठानिया हॉकी, कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी, विजय भालचंद मुनेश्वर पैरा पावर लिफ्टिंग, नरेश कुमार टेनिस, ओम प्रकाश दहिया कुश्ती। फिर आपकी अगर नियमित रूप से बात करूं नियमित श्रेणी में तो जूड फ्लेक्स सेबेस्टियन हॉकी से संबंधित हैं, योगेश मालवीय मलखम, जसपाल राणा शूटिंग, कुलदीप कुमार हंडू बुसू और गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन, ठीक है। तो याद रखिए इसकी स्थापना 1985 में हुई और पहली बार किसे किसे दिया गया था, भालाचंद भास्कर भागवत, दूसरे थे ओम प्रकाश भारद्वाज और तीसरे थे ओ एम निमियर, क्योंकि कई बार पूछ लिया गया कि द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार किन लोगों को दिया गया था। जो भालाचंद भास्कर थे रेसलिंग से थे, ओम प्रकाश भारद्वाज ये मुक्केबाज थे और ओ एम नम्बियर ए एथलेटिक्स थे, ठीक है। याद रखिए इनका संबंध इन खेलों से था। अब बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की, किसकी, अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार के बारे में आपको याद रखना होगा कि इसकी स्थापना 1961 में की गई थी, कब, 1961 में। ये आपका इस पुरस्कार को खेल के क्षेत्र में 4 साल की अवधि में खेल के क्षेत्र में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, किसके लिए, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। ये प्रथम आपकी कौन था जीतने वाला, श्रेयसी सिंह महिला खिलाड़ी थी, श्रेयसी सिंह, श्रेयसी सिंह। श्रेयसी सिंह कौन थी, श्रेयसी सिंह ये महिला में थी। और अगर 1961 की पहले विजेताओं की बात करें तो गुरबच्चन सिंह रंधवा, कौन थे, गुर बच्चन सिंह रंधरा, बड़ा अच्छा नाम है, इन्हें 1961 में मिला था, गुरु बच्चन सिंह रंधवा, ठीक है। एक कई क्षेत्र में दिया जाता है, बैडमिंटन में 1961 में आपका देखा होगा आपने नंदू नाटेकर को भी दिया गया था, और बास्केटबॉल की बात करूं तो सब सर्वजीत सिंह को दिया गया था 1961 में, और अगर आपने बॉक्सिंग में देखा होगा तो एल बड्डी डिसूजा को दिया गया था, और अगर आप शतरंज की बात करूं तो मैनुअल आरो को दिया गया था, अगर हम लोग क्रिकेट की बात करें तो सलीम दुरानी को दिया गया था, और अगर फुटबॉल की बात करें तो पीके बनर्जी साहब को दिया गया था, और अगर गोल्फ की बात करूं तो पीजी सेट्टी को दिया गया था, जिमनास्टिक की बात करूं तो श्यामलाल को दिया गया था, अगर हॉकी की बात करूं तो पितपाल सिंह को दिया गया था। अगर हम लोग लॉन टेनिस की बात करूं तो रामनाथ कृष्णन को दिया गया था, ठीक है। उसके बाद अगर निशानेबाजी की बात करूं तो करणी सिंह को दिया गया था, और अगर तैराकी की बात करूं तो बजरंगी प्रसाद को दिया गया था 1961 में, और अगर टेबल टेनिस की बात करूं तो जेसी बोवरा हो गए, और अगर वॉलीबॉल की बात करूं तो ए पलानी स्वामी को दिया गया था। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि इससे कम ही क्वेश्चंस पहले के बारे में पूछा जाएगा, अगर पूछा जाता है तो आप लोग याद रखिए। अर्जुन अवार्ड के बारे, अगर भारत्तोलन के बारे में बात करूं तो ए एन घोष थे 1961 में पहले विजेता। अगर कुश्ती की बात करूं तो आप देखेंगे 1961 में सूबेदार उदय सिंह उदय चंद को दिया गया था, ठीक है। इस साल के हम लोग देख लेते हैं 2020 के, तो इसमें आप अतनु दास को देखेंगे, एक तीरंदाजी से संबंधित हैं, दोती चंद एथलेटिक्स हैं, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी बैडमिंटन से संबंधित हैं, चिराग चंद्रशेखर सेट्टी बैडमिंटन से संबंधित हैं,
विशेष भृगुवंशी ये बास्केटबॉल से संबंधित हैं। सूबेदार मनीष कौशिक ये बॉक्सिंग से संबंधित हैं। लॉबलीना बोरगोहिन बॉक्सिंग से संबंधित हैं। ईशान शर्मा ये क्रिकेट से संबंधित हैं। दीप्ति शर्मा किससे संबंधित हैं? क्रिकेट से। सावंत अजय अनंत ये अश्वारोही यानी कि घोड़ी सवारी करते हैं, घोड़सवारी। संदेश झिंगन ये फुटबॉल से संबंधित हैं। अदिति अशोक गोल्फ से संबंधित हैं। आकाशदीप सिंह हॉकी से संबंधित हैं। दीपिका हॉकी से संबंधित हैं। दीपक आपके कबड्डी से संबंधित हैं। काली सरिका सुधाकर खो खो से संबंधित हैं। दत्तू बमन भोकनल रोइंग से संबंधित हैं। मनु भाकर शूटिंग से संबंधित हैं। सौरभ चौधरी शूटिंग से संबंधित हैं। मधुरिका सुहास पाटकर टेबल टेनिस से संबंधित हैं। दिविज शरण टेनिस से संबंधित हैं आपके। शिव केशवन शीतकालीन खेल से संबंधित हैं। दिव्या काकरान कुश्ती से संबंधित हैं। राहुल आवरे कुश्ती से संबंधित हैं। और सुयेश नारायण यादव पैरा स्विमिंग हैं। संदीश पैरा एथलेटिक्स हैं। मनीष नरवाल पैरा शूटिंग है। इसकी PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहाँ से भी डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, इनके बारे में। फिर आपका ध्यानचंद पुरस्कार आता है। यह पुरस्कार खेल के विकास के लिए आजीवन योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। कौन? ध्यानचंद पुरस्कार। इसकी स्थापना की बात करें तो 2002 से दिया जा रहा है, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। और प्रथम विजेताओं की बात करें तो साहूराज बिराजदार इन्हें दिया गया था मुक्केबाजी में। अशोक दीवान इन्हें हॉकी थे। अपर्णा घोष बास्केटबॉल, पहली बार इन्हीं लोगों को दिया गया था। अभी देख लेते हैं 2020 में किसे किसे दिया गया है ध्यानचंद अवार्ड या ध्यानचंद पुरस्कार। तो इसमें देखेंगे कुलदीप सिंह भुल्लर एथलेटिक्स हैं। जिंसी फिलिप्स एथलेटिक्स। प्रदीप श्री कृष्ण गंधे बैडमिंटन। तृप्ति मुरगुंडे ये बैडमिंटन। एन ऊषा बॉक्सिंग। लाखा सिंह मुक्केबाजी। सुखविंदर सिंह संधु फुटबॉल। अजीत सिंह हॉकी। मनप्रीत सिंह किससे हैं? कबड्डी से संबंधित। जे रंजीत कुमार पैरा एथलेटिक्स। सत्य विकास तिवारी पैरा बैडमिंटन। मंजीत सिंह रोइंग। स्वर्गीय श्री सचिन नांग तैराकी। नंदन पी बाल ये टेनिस से संबंधित। नेतपाल हुड्डा ये कुश्ती से संबंधित हैं। तो ये थे आपके ध्यानचंद पुरस्कार जिन लोगों को मिला है। एक बार आप लोग PDF डाउनलोड करके भी पढ़ लें। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार कॉरपोरेशन संस्थाओं निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के साथ साथ ऐसे व्यक्तियों को भी दिया जाता है जिन्होंने खेल को बढ़ावा देने और इसके विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। तो इसमें आप देखेंगे कि किसे किसे दिया गया है। अभी राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की बात करें तो उभरती हुई प्रतिभा की पहचान और पोषण के लिए लक्ष्य इंस्टीट्यूट आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए खेलों को प्रोत्साहन के लिए ONGC को खिलाड़ियों के लिए रोजगार और खेल कल्याण उपाय के लिए वायुसेना का खेल नियंत्रण बोर्ड को दिया गया है। विकास के लिए खेल अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रबंधन संस्थान को दिया गया है। इन चार को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है आपका, याद रखिए इसके बारे में, ठीक है। चलते हैं आगे। फिर आपका तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर पुरस्कार 2019, इसे देश के लोगों में रोमांच की भावना को पहचानने के लिए सम्मानित किया जा रहा है। तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय पुरस्कार साहसिक कार्य पुरस्कार, यह पुरस्कार आप चार श्रेणियों में दिया जाता है। यह पुरस्कार भू साहसिक कार्य के लिए या फिर जल साहसिक कार्य के लिए, वायु रोमांच एवं जीवन पर्यंत उपलब्धि के क्षेत्र में भी दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें किसे किसे मिला है? लैंड एडवेंचर अनीता देवी, कर्नल सरफराज सिंह, ताका तामुत, नरेंद्र सिंह, केवल हेरेन कक्का, ये सभी लैंड एडवेंचर से संबंधित हैं।
वाटर एडवेंचर से संबंधित कौन है, सत्येंद्र सिंह को दिया गया है। एयर एडवेंचर गजानंद यादव को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट स्वर्गीय मगन बिस्सा को दिया गया है, ठीक है, इन चार को दिया गया है। और फिर आता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। आप लोगों को पता होगा कि ये अबुल कलाम ट्रॉफी भी कहते हैं। पहले देश के पहले शिक्षा मंत्री थे हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्हीं के नाम पर केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा हर साल अवार्ड दिया जाता है और 29 अगस्त को ये भी दिया जाता है आपका। इस बार किसे मिला है यह पुरस्कार? अंतर विश्वविद्यालयी टूर्नामेंट में समग्र शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को प्रदान किया जा रहा है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को दिया जा रहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं, क्योंकि अर्जुन अवार्ड में आपने देखे कितने सारे व्यक्ति हैं, तो या तो कोई चर्चा में रहा हो, कुछ ज़्यादा हो उसके बारे में पूछ सकता है, या फिर इस तरह की एक दो लोगों को जिस जो पुरस्कार मिलते हैं कम लोगों को उनके बारे में भी पूछ लेता है। तो आप याद रखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसे दी गई है? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को, ठीक है। और ये आपकी पहली बार 1957-58 में दी गई थी। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार 2020 में जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मिले हुए, और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। और याद रखिए, हम इसके लिए आपका जो खेल से संबंधित आपका एक पूरी क्लास है उसको नीचे लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग जाकर देखते रहिए, अच्छे से देख लीजिए। अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो आप लोग सॉल्व करने की स्थिति में पहुँच जाएंगे। और याद रखिए, राजीव गांधी खेल रत्न को तो आप लोग याद ही रखिए सबको, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपका हमेशा देखने को मिलता रहता है, यहाँ तक कि UPSC और PCS में भी आपका बन जाता है। तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही अच्छे से जानकारी याद रखिए, ठीक है।